हिफाजत ने ठीक नहीं किया। हिफाजत में चुप। मुझे एक बात का खौफ खाए जा रहा है, अगर मन्नत अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो हम तो बर्बाद होंगे होंगे, उसकी खुद की किस्मत भी खराब हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी किस्मत गजल जैसी हो जाए। ये तू क्या बोल रही है दुआ? तो मैं और क्या कहूं अम्मी, मन्नत की फितरत से मुझे गजल की बू आती है। गजल एक ऐसे शख्स के प्यार में पागल थी जो उसका था ही नहीं, और मन्नत एक ऐसे शख्स के लिए पागल हो रही है जो किसी और का है। गजल से नफरत थी मुझे, लेकिन दिल में कसक थी। वो मेरे शौहर के लिए तड़पती थी जो उसे कभी मिल नहीं सकता था। गजल की तरह मन्नत भी इबादत के शौहर के लिए तड़पती ना रह जाए और उसका अंजाम भी वही ना हो जो गजल का हुआ था। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मन्नू बहुत जल्द सही रास्ते पर आ जाएगी, बहुत जल्द उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। अम्मी फिर हम एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे उसके लिए, फिर उसका घर बस जाएगा। पता नहीं मेरी मन्नत की किस्मत में क्या लिखा है। दुआ, उसकी तकदीर चाहे जो भी हो, मगर एक बात तो तय है कि मन्नत की तकदीर में तेरा और इबादत का साथ लिखा है। और तू देखना, तेरी नेकियों का सिला खुदा मन्नत को जरूर देगा। मन्नत उस मक्कार गजल से बहुत अलग है दुआ, और मन्नत की किस्मत वो गजल से कहीं ज्यादा अच्छी है। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो गजल के साथ हुआ है। होगा, दुआ की बेटी के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मुझसे कहीं ज्यादा बदतर होगा, कि उसकी किस्मत खुदा नहीं मैं लिखूंगी। इबादत! सुभान, लगता है मेरा शौहर मुझे याद कर रहा है। चीख रहा है, ऐसा क्या किया है जो चिल्ला रहा है? वही किया है जिससे सुभान की अक्ल ठिकाने आ जाए। तुम्हारे दिल में? हाँ? अच्छा? न मालूम कौन सी कयामत आने वाली है। अल्लाह सब ठीक करेंगे। चलिए अम्मी। अम्मी, वहां कोई है? कोई नहीं है वहां पर। अरे अभी अभी तो हमने पूरे घर का जायजा लिया है, तू ज्यादा सोच मत। कोई नहीं है दुआ। दुआ? हाँ। चल। मेरी औलाद के सामने मेरी बुराई कर रही हो, ऐसा मजाक चखाऊंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। दुआ बेगम, हमीदा बेगम, अपनी बर्बादी की तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि अब गजल वापस आ गई है।